हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन स्टडी वन में। चलिए आज की इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं उसको सबसे पहले आप सबके सामने बता देता हूं। उस चैप्टर का नाम है मिश्रण एवं अनुपात। देखिए मिश्रण एवं अनुपात का जो है मिक्सचर एंड रेशियो बोल सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में बोले तो मिक्सचर एंड रेशियो। देखिए मिक्सचर और रेशियो का जो है हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आता है, एक मिक्सचर से एक अनुपात से। आपसे कहीं भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका पढ़ने का मतलब दो नंबर आपका पक्का। आपका जो भी एग्जाम हो दो क्वेश्चन पक्का, चाहे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस हो या रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी चीज का हो, एसएससी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, बैंक का हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपका दो नंबर पक्का हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए मिश्रण जो है मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताऊंगा, लगभग 10 या 15 कंसेप्ट बताऊंगा, उतना वही मिश्रण समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में लगभग 10 कंसेप्ट बताऊंगा और आपका इसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं किसी किसी क्वेश्चन को दो दो तरीके से बताऊंगा, किसी के हर क्वेश्चन को दो तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन एक जो स्मॉल मेथड है जो ज्यादा लाभदायक है आपके लिए वही ज्यादा यूज करना चाहिए और वही मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं हम। ये हो गया मिश्रण एवं अनुपात। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है, तब उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जिससे दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है, तो दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई थी। देखिए करना कुछ नहीं है, इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए 20 लीटर दूध की मिश्रण, 20 लीटर का ये क्या है मिश्रण है, लिख सकते हैं आप आसानी से। 20 लीटर का मिश्रण है उसमें क्या है, दूध है और पानी है, दो चीजें हैं दूध और पानी। ठीक, करना कुछ नहीं, बस आपको देखते रहना, देखते देखते ही आपका आंसर नहीं आया तो फिर मुझे बताना। तो 20 लीटर का मिश्रण था और उसमें दूध और पानी है और उसमें दूध और पानी का अनुपात पहले दिया हुआ 3:1। ठीक, अब कह रहा है कि उसमें कुछ मात्रा मिला देने के बाद जो है 4:1 हो जाता है दूध और पानी का अनुपात। ठीक, 4:1, तो बताना है कि मिलाई गई दूध की मात्रा बताना है। ठीक, तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कितने दूध की मात्रा मिलाई गई है। तो देखिए इसमें कभी भी कुछ नहीं करना है, मिश्रण में जब भी कोई चीज मिलाएगा, दूध पानी का मिश्रण होगा तो दूध मिलाएगा या पानी मिलाएगा, तो आपको जो नहीं मिलाएगा, जो चीजें नहीं मिलाएगा, जैसे इसमें दूध मिलाने की बात कर रहा है तो कुछ दूध मिलाया गया है, और जिसमें दूध नहीं मिलाने की बात करेगा, इसमें मतलब जो नहीं मिलाएगा, जैसे पानी मिलाने की बात नहीं कहा, पानी जितना है उतना ही रहेगा, जो चीज मिलाएगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो चीजें मिलाएगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो चीजें नहीं मिलाएगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, हम हमेशा सेम करेंगे, हमेशा सेम करेंगे क्या करेंगे, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए इसमें तो हम देख रहे हैं कि पानी नहीं मिला रहा है, तो पानी पहले भी एक था अभी भी एक है, तो इसका एलसीएम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों हमारा बराबर ही है। जब दोनों यहाँ पे बराबर है, ठीक, आपका काम बन गया। इसको ऐसे खींच दीजिए, अब देखिए दोनों यहाँ पे पानी बराबर है और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है यहाँ से 3 पॉइंट से बढ़ करके 1 पॉइंट बढ़ गया है, यानी 4 पॉइंट हो गया। यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, 1 पॉइंट का, 1 पॉइंट का क्या है डिफरेंट है। देखिए अब देखिए दूध और पानी का जो मिश्रण है हमारा, पहले मिलाए रहे थे तो दूध और ऐसे पानी 3:1 था, तो अब टोटल जो बताएंगे यहाँ पे टोटल यहाँ लिख सकते हैं, टोटल या मिश्रण लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दूध रसियो पानी तो 3:3 पॉइंट दूध था, 1 पॉइंट पानी था, और दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रण में कितना पॉइंट हो जाएगा, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट का मिश्रण है। ठीक, यहाँ से इसके हिसाब से क्वेश्चन के अनुसार जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से, अब लीटर में तो दिया ही है 20 लीटर, तो देखिए 4 पॉइंट हमारा मिश्रण है। ठीक, तो
चार पॉइंट मिश्रण है हमारा, ये तीन एक चार, चार पॉइंट का मान कितना दिया है, चार पॉइंट का मान आपके क्वेश्चन बोला है 20 लीटर। ठीक, 20 लीटर बोला है, हमारे क्या है, हमको तो अनुपात पता है, लेकिन क्वेश्चन में जो है हमारा तीन और एक अनुपात को जोड़ने के बाद चार आ रहा है, यानी टोटल मिश्रण जो आ रहा है ये टोटल हो गया, तीन एक चार टोटल हो गया चार, चार पॉइंट का मान जो है हमारा क्वेश्चन में दिया है 20 लीटर। ठीक, तो एक पॉइंट का मान फाइंड करेंगे ना, जब एक पॉइंट का मान आप फाइंड कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन का हर आंसर मिल जाएगा। ठीक, आप एक पॉइंट का मान फाइंड कर लीजिए, चार को भाग दीजिए, चार से भाग दीजिए 20 में, तो 20 बटे 4 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट का मान 5 लीटर आ जाएगा। ठीक, तो हमको वही पूछा है कितना मिश्रण उसमें मिलाया गया है दूध में, मतलब तो दूध कितना मिलाया गया। ठीक, तो देखिए पानी तो सेम ही है, अब यहाँ से देखिए दूध 3 पॉइंट था पहले, तो पहले 3 पॉइंट था, अब 4 पॉइंट हो गया। ठीक, तो कितना मिलाया गया, 3 से 1 पॉइंट बढ़ गया, तो 1 पॉइंट का मान आपको यहाँ पे फाइंड किया है कितना लीटर, 5 लीटर, तो वही आपका क्या हो गया, 5 लीटर आंसर हो गया। ठीक, यही आपका आंसर क्या होगा, 5 लीटर। फिर से समझाते हैं, देखिए क्या करना है, दूध दिया है या मिश्रण दिया है टोटल 20 लीटर, अब उसमें दूध और रेशियो, दूध और पानी का अनुपात दिया 3:1, 3 और 1 4 को जोड़ेंगे तो टोटल मिश्रण होगा ना, ये दूध हो गया या पानी होगा, टोटल को जोड़ दिया तो मिश्रण हो गया, 4 पॉइंट का मान 20 लीटर दिया था, 1 पॉइंट का मान निकाल दिया यहाँ से 5 लीटर, और हमसे 1 पॉइंट का मान पूछा है, तो इसमें आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते, चाहो तो आप इसको अलग अलग निकाल के घटाएंगे अंतर तो भी 5 लीटर आएगा, नहीं तो डायरेक्ट इसका और इसका अंतर जो पता है 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंट आया है, 3 से 4 पॉइंट हो गया है, 1 पॉइंट का मान 5 लीटर, यही 5 लीटर आपका आंसर हो गया। ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसमें अब आप फाइंड कर लिए 4 पॉइंट का मान 20 लीटर है, तो 1 पॉइंट का मान 5 लीटर आ गया, तो 5 लीटर आ गया तो आप क्या करेंगे, पहले जो है 3 पॉइंट का मान निकालेंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लीटर दूध था और पानी कितना था, 5 लीटर था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पॉइंट का मान 4 5 20 लीटर दूध हो गया, अब पानी कितना होगा, 5 लीटर होगा, एक ही पॉइंट है। ठीक, अब देखिए इसका इसका डिफरेंट कितना होगा, 15 लीटर पहले दूध था और 20 लीटर हो गया, तो इसका 15 20 -15 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 लीटर, ये भी आपका यहाँ से भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो इसको और एक और मेथड है इसका, पहले एक दूसरा मेथड भी बताते हैं। देखिए अब हम 4 पॉइंट का मान फाइंड कर लिए 20 लीटर, 1 पॉइंट का मान 5 लीटर आ गया ना, तो पहले हमारा दूध कितना था, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के तहत कितना हो जाएगा दूध, 3 × 5, और पानी कितना था, 1 पॉइंट, तो 1 × 5। ठीक, तो ये 15 लीटर था, ये 5 लीटर था। अब देखिए उसमें कुछ मिलाने के बाद कह रहा है, तो 15 लीटर है और उसमें हम कुछ मिला दिया, क्या पता, कुछ नहीं पता, इसमें कुछ मिला लीजिए, y1 मिला लीजिए। अब देखिए और उसका अनुपात दिया हुआ है, 4:1 हो जाता है, तो हम 15 लीटर दूध था उसमें कुछ दूध मिला दिए, y2 मिला दिए और 5 से डिवाइड कर दिए, 5 क्या है, पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात जो हुआ है मिलाने के बाद कितना बोला है, 4:1, यहाँ पे 4:1 कर दीजिए और यहाँ से भी वाई का मान फाइंड करेंगे तो वही आपका आंसर 5 ही आएगा, आप कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक, नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसे आ जाएगा 100% 5 लीटर ही आएगा। ठीक, इसको मिटाने के बाद स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए इसमें जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कितना पानी मिला दिया जाए, इसमें कह रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, इसमें आपको बताना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। थोड़ा सा ये सूखा नहीं है, सुखा देते हैं। तो आपको बताना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये मिश्रण दिया हुआ है दूध और पानी का अनुपात, ये मिश्रण है दूध, ये दूध हो गया और ये पानी हो गया, देखिए धीरे धीरे बताएंगे बिल्कुल समझ में आएगा, दूध हो गया ये पानी हो गया, तो एक अनुपात दिया हुआ 5:1, तो मिश्रण करेंगे यहाँ पे, यानी मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में टोटल होता है 5 × 1 6 हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, मिश्रण में ये अनुपात दिया दूध पानी का, दोनों जोड़ देंगे तभी तो मिश्रण बनेगा,
और कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 हो जाता है। 5:2 हो जाता है। अब देखिए दूध मिलाने के कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट हो जाएगा। मिश्रण जो होगा टोटल होगा 5 और 2 का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, दिया हुआ क्वेश्चन में डाटा है। अब देखिए हमने कहा था कि जो चीजें मिलाएगा वही उसी का मान घटेगा बढ़ेगा, और जो चीजें नहीं मिलाएगा उसको हमेशा हम बराबर करेंगे, ठीक। क्योंकि वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जैसे इसमें पानी मिलाने की बात किया है, ठीक। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, जिसमें कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिला जाए। देखिए 5 लीटर पानी मिला है तो पानी की मात्रा बढ़ा घटा है, तो दूध की मात्रा क्या होगा, सेम रहेगा। देखिए हमारा सेम है ही, 5:5, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछा है कि कितना जो है, क्या पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी मिलाने के बाद, ठीक। मिलाने के बाद आपसे पूछा है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जब न्यूट्रिएंट हम जाएंगे 1:2 के बीच में जाएंगे तो पानी जो मिलाया है 5 लीटर मिलाया है, ठीक। तो 1:2 के बीच में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पानी की मात्रा पहले 1 पॉइंट था अब 2 पॉइंट हो गया। इसका मतलब हुआ कि 2 और 1 के बीच का कितना डिफरेंट है, 2 और 1 के बीच जो है डिफरेंट का कितने का है, 1 पॉइंट का। और इसी 1 पॉइंट का मान जो है क्वेश्चन वाला है 5 लीटर पानी, ठीक। 1 पॉइंट का मान कितना वाला है, 5 लीटर, ठीक। तो आप अब क्या करेंगे, आप हर चीज को फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपका 1 पॉइंट का मान मिल गया तो आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, पानी की मात्रा और दूध की मात्रा दिया हुआ पहले अनुपात, फिर दोबारा दिया है इतना अनुपात। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रण बनेगा, ये आपको बता दिए हैं, जोड़ के जरूरत पड़ेगा तो यूज होगा, नहीं जरूरत पड़ेगा 6 और 7 से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो है 1:2 को पहुंचा है, तो इसमें कितने का डिफरेंट है, 1 का। तो 1 का डिफरेंट होने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाया है, यानी 1 पॉइंट का मान 5 लीटर बोला है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए तो 5 का मान कितना होगा, 25 लीटर। इसका अब कितना हो जाएगा, 10 लीटर। इसका कितना था पहले भी, 25 लीटर। तो आपसे क्या पूछा है, अब आप देख लीजिए 1 पॉइंट का मान निकलेगा मतलब इसका भी निकला, इसका भी निकला, इसका भी निकला, सबका निकल सकता है, ठीक। तो आपसे पहले पूछा क्या है कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, तो इसका आपका राइट आंसर 25 लीटर होगा। देखिए पहले भी दूध 25 लीटर था, आज भी 25 लीटर है, क्योंकि दूध ना मिलाया है ना घटाया है, बस पानी मिलाया है 5 लीटर। पहले यहाँ पर देखिए 5 लीटर था 1 पॉइंट का मान, अब देखिए 10 लीटर हो गया है। तो पानी यहाँ से यहाँ तक पहले वाले 5 लीटर पानी था, अब 10 लीटर हो गया, तो पानी 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 लीटर आएगा। तब क्योंकि 5 लीटर मिलाया भी है, क्वेश्चन भी कर रहा है, अब पहले भी दूध की मात्रा 25 था, आज भी दूध की मात्रा 25 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा 25 लीटर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मिटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का कह रहा है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर कोई क्वेश्चन बच जाएगा तो पार्ट 2 बना दूंगा और उस पर आप देख लीजिएगा या कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर की 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 27:5 है। देखिए 80 लीटर दूध मिश्रण का मात्रा दे दिया है 80 लीटर, ठीक। तो यहाँ पे दूध और पानी, ये दूध हो गया, ये पानी हो गया, ठीक। दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। दूध और पानी का अनुपात जो दिया है 27:5 है, तो 27 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32, ठीक। इस 32 का जो मान है कितना दिया है, 80 लीटर। ये मिश्रण होता है ना टोटल, जी दूध रेशियो पानी है, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण निकलेगा, तो मिश्रण टोटल जोड़ने के बाद ही पता होता है 27 + 5 = 32 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 27:5 है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो, कितना और पानी मिलाना है। देखिए कि दूध और पानी का अनुपात 27:3 हो जाए, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे अनुपात इतना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना जी,
तो हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको जितना क्वेश्चन में डाटा दिया हो उससे ही मतलब। तो आपको क्या करना है, देखिए कह रहा है कितना और पानी मिलाया जा, कितना और पानी मिलाया जाए कितना हो जाए अनुपात। ठीक, देखिए पानी मिलाने की बात कह रहा है तो हमारा क्या होगा, दूध तो उतना सेम ही रहेगा, पहले 27 पॉइंट था तो अभी 27 पॉइंट होगा, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए जो चीज़ें नहीं मिलाएगा उसको हम हमेशा बराबर ही मानेंगे, जितना पहले था इतना था, पहले 27 इसको भी 27 हमको करना पड़ेगा, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 27, इसमें मल्टीप्लाई होगा एक से, जब इसमें एक से मल्टीप्लाई होगा तो इसके सामने वाला में भी एक से मल्टीप्लाई होगा, जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा इसके सामने वाला में भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इतना तो आपको हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ये 27 पहले था तो अब एलसीएम फाइंड कर लिए तो 27 रहेगा, और दोबारा जो भी 27 हो जाएगा क्योंकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 27 हो गया, 27 इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए, और जितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 करने के लिए उतना से इसमें भी करेंगे, इतना से इसमें करेंगे 27 करने के लिए, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, इसमें 9 से भी कर देंगे। ठीक, तो आपका जो है इसमें आपको आंसर फाइंड करने में आसानी हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 हो गया, अब कितना हो गया, ये 9 हो गया, अब दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो गया 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट का मान आपसे क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखिए 4 पॉइंट का मान आपसे पूछा गया है, आपको क्या पता है कि 32 पॉइंट का मान 80 है, तो एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 80/32। ठीक, एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 80/32 यानी 5/2। अब देखिए तो 4 पॉइंट का मान पूछा है क्योंकि देखिए यहाँ से पहले हमारा 27 लीटर दूध था, अब भी दूध 27 लीटर है, पहले पानी 5 लीटर था अब 9 लीटर हो गया, इसका मतलब 4 पॉइंट बढ़ा है, तो 4 पॉइंट का मान हमको फाइंड करना है, तो हमको यहाँ से 32 पॉइंट का मान जो है 32 पॉइंट हम मिश्रण फाइंड किए हैं, इसको जोड़ने के बाद इसको और इसको, तो यहाँ पर 32 आया है तो इसको इसका मान 80 बोला है, तो एक का मान निकाल लिया है यहाँ से 5/2, तो यहाँ पर 4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 4×5/2, इसको काट देंगे 5×10 लीटर, ये जो है आपका जो है आंसर आ जाएगा 10 लीटर, ये आपके आंसर 10 लीटर हो जाएगा। ठीक, आपसे यही पूछा था कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हम इसमें 10 लीटर पानी मिलाए हैं, तब जाकर के इतना हो गया है। ठीक, आपका ये आंसर सॉल्व हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ये कह रहा है कि 200 ग्राम मिश्र धातु में जिंक तथा कॉपर का अनुपात 5:3 है, 200 ग्राम धातु में जिंक तथा कॉपर, जिंक और कॉपर है, जिंक तथा कॉपर का अनुपात कितना दिया है 5:3 है, ये कॉपर को Cu से रिलेट करते हैं। ठीक, कापर का अनुपात 5:3 है, इसमें कितना और कापर मिलाया जाए कि 3:5 हो जाए मिश्रण का अनुपात, इसमें देखिए 3:5 करना है, तो जब भी आपसे मिलाने की बात कह रहा है तो कापर मिलाने की बात कह रहा है, तो जिंक तो हमारा उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो इसको बराबर कर लीजिए 15 एलसीएम फाइंड कर लीजिए, तो 5×3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 होगा, जब हम 15 एलसीएम फाइंड किए हैं तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अतः इसको हम यहाँ लिख सकते हैं जिंक और कापर, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये 15 एलसीएम फाइंड किए हैं, जिंक तो हमेशा समान ही रहेगा तो 15 फिर हो जाएगा, क्योंकि जिंक में तो कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, कापर में बढ़ाने के लिए कह रहा है, अब देखिए ये हो जाएगा 25, इसमें एलसीएम लिया है तो 15 एलसीएम लेंगे 3 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 15 होगा, तो इसमें करेंगे इसे का 5 से 15 करेंगे 3 से करेंगे, तो इसमें 3 से करेंगे, उसी को 15×9 और 15×25 लिखे। ठीक, तो कह रहा है कितना मिलाया जाए कापर, यहाँ से यहाँ तक आने की जो डिफरेंट है वही पूछा है, तो 16 पॉइंट का डिफरेंट है। ठीक, 16×9=25 होता है ना,
यहाँ से यहाँ तक 16 पॉइंट कापर मिला है आप, लेकिन हमसे उसका ग्राम में वजन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि 200 ग्राम में से धातु में कापर और जिंक का अनुपात दिया है, ये टोटल जो है 200 ग्राम में दिया है। तो 15:9 कितना होगा? ये टोटल मिश्रण जो होगा हमारा 15:9 कितना आ जाएगा? 24 पॉइंट। ठीक, अब देखिए ये तो हो जाएगा हमारा टोटल मिश्रण 24 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा? 40 पॉइंट। ठीक, टोटल मिश्रण की बात कर रहा है, तो 15 ये 25 40 हो जाएगा, ये 15:9 24 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंट जो है हमको फाइंड करना है। ठीक, तो आपसे पूछा है कितना कापर मिला है, कापर कितना पॉइंट है? 16 पॉइंट। ठीक, यहाँ भी कितना पॉइंट है? 16 पॉइंट। तो हमसे पूछा है कि कितना कापर मिलाया जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 24 पॉइंट का मान आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, तो एक पॉइंट का मान फाइंड कर लेंगे, मिश्रण का मान है टोटल 24 पॉइंट का मान दिया है 200 ग्राम, एक पॉइंट का मान फाइंड करेंगे 200/24 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल मिश्रण का जहाँ मान था, इसको चाहो तो लिखो या फिर मिटा सकते हो। ठीक, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25/200 25/3। ठीक, तो ये हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, एक पॉइंट का मान हमारा 25/3 आ गया। तो आपसे यहाँ से 9 से 25 जाने में कितना का डिफरेंट हुआ? ये कापर का मान है हमारा, पहले 9 था, 25 हो गया, तो कितना बढ़ा है? 16 पॉइंट बढ़ा है, तो 16 × 25/3 हो जाएगा, यानी 400/3 हो जाएगा, यानी 133 सही 1/3 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 133 सही 1/3 ग्राम। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से कुछ नहीं करना था, जो चीज़ें मिलाएगा उसी को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो नहीं मिलाएगा उसको हम बराबर कर लेंगे, जैसे इसमें जिंक नहीं मिला था तो इसको बराबर कर लिए, यही काम हमेशा करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु में कापर जिंक और निकिल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए इसमें 3 लोग का अनुपात दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन 2 लोगों के लिए कर रहे थे, इसमें 3 लोग का दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आए। कापर इसका किसका दिया हुआ? मिश्र धातु में कापर जिंक और निकिल का अनुपात 5:3:2 है, यदि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकिल और मिलाई जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। मिश्र धातु कापर जिंक और निकिल, ये हो गया कापर, ये हो गया जिंक और ये हो गया निकिल। ठीक, तो रेशियो दिया हुआ 5:3:2 है, टोटल जोड़ेंगे तो मिश्रण प्राप्त होता है हमारा, 5+3+2 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, टोटल हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, यानी टोटल क्या होता है? टोटल मिश्रण होता है। अब कह रहा है, इसको हटा सकते हैं, प्लस कह रहा है कि कितना उसमें निकिल मिलाया जाए, ये टोटल जो मिश्रण है 100 किलोग्राम का है, ये अनुपात में 10 पॉइंट आ रहा है। ठीक, उसमें कितना निकिल मिलाया जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए, 5:3:3 हो जाए। अब देखिए निकिल मिलाने की बात कहा है, तो निकिल में परिवर्तन होगा, बाकी इन दोनों का जो योग होगा हमेशा सेम रहेगा, जैसे 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जैसे 8 यहाँ पर है भी, नहीं रहता तो बराबर कर दे। ठीक, नहीं रहता तो बराबर कर दे, अब इसका 5 और 3 करेंगे तो 8 होगा। ठीक, ये जो सेम है, ये दो चीजें हमारी सेम रहेगी, क्योंकि कापर और जिंक में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस निकिल में परिवर्तन किया, कितना निकिल मिलाया जाए कि इतना रेशियो हो जाए। ठीक, तो हमको बोला है टोटल का मान जो है 100 किलोग्राम 100 kg, जबकि हम टोटल का मान कर रहे हैं, पहले ही मान बोला है कि टोटल 100 किलोग्राम है, इसमें इतना 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 अनुपात में है, तो हम इसको टोटल किया है 10 पॉइंट आया, 10 पॉइंट का मान 100 किलोग्राम बोला है, तो 1 पॉइंट का मान 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक निकिल में कितना परिवर्तन है, पहले निकिल 2 पॉइंट था, 3 पॉइंट हुआ, इसका डिफरेंट कितना है? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट का मान कितना होगा? 10 kg, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट का मान 10 kg हम निकाल चुके हैं। यहाँ से करना कुछ नहीं था, 5 × 3 = 8 = 10 10 पॉइंट, यहाँ पर 10 का मान 100 kg बोला था। अब ये जो है दो चीज़ें हमारी सेम थी, ये चेंज नहीं किया था, इसमें निकिल बढ़ा करके 3 पॉइंट कर दिया था, तो 1 पॉइंट का मान निकालिए 10, यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 जाने में 1 पॉइंट की वृद्धि हुआ, तो 10 kg आंसर हो जाएगा।
अगर आपसे पूछ लेता है कॉपर और जिंक का मिश्रित मिश्रण बताओ कितना होता है, तो ये 8.7 था, तो 8 गुण है 10 बराबर 80 हो जाता है। ठीक, तो ये 80 हो जाता है पहले। ठीक, लेकिन जो आपसे पूछा 10 के जी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि निकिल की मात्रा जो है 10 के जी मिलाई गई। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ। अब थोड़ा स्पीड बताऊंगा क्योंकि अब आपको समझा दिया हूँ पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली में 2 घटा दिया जाए दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3 है, क्या दिया 2:3 है, यदि उन्हें पहली में 2 घटाया जाए दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, ये 2 के मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3, तो इसको हम 2 के मान लेते हैं, इसको 3 के मान लेते हैं। अब बात रहा पहली में 2 घटाया जाए दूसरी में 2 जोड़ दिया, तो जोड़ दीजिए, उसके बाद अनुपात जो है 1:2 हो जा रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन, तो 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमारी संख्या एक पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इनका अनुपात दिया था 2:3, तो 2 के और 3 के मान लिए हम। अब पहली में 2 घटाने के बोला है, 2 घटा दिए, दूसरे में 2 जोड़ने के बाद जोड़ दिए, अब इसको हम k का मान फाइंड कर लेंगे और उसके बाद पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 4k हो जाएगा -4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3k प्लस 2, यहाँ पे आएगा तो k हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो k का मान हमारा 6 आ गया, अतः पहली संख्या 2k है, 2×6=12 हो जाएगा, दूसरी संख्या 3k है, 3×6=18 हो जाएगा। अब इनका योग पूछा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो 12+18=30 हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, पहली संख्या मान लीजिए 2:3 अनुपात दिया था, तो पहली संख्या 2k मान लीजिए, दूसरी 3k, इसमें 2 घटाने के लिए बोला, इसमें 2 जोड़ने के लिए बोला, अनुपात इतना दिया, जोड़ने के बाद इतना अनुपात हो रहा, बाकी के का मान यहाँ से तो फाइंड करने आपको आता है, ये के का 6 आ जाएगा, तो पहली संख्या 6×12 का, तीसरे दूसरी 18 का, दोनों को जोड़ देंगे 30 अंतर आ जाएगा, यही आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, अब थोड़ा स्पीड बताएंगे, अब आप फटाफट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर, तरह की संख्याओं का एक व्यापारी के पास 40 किलोग्राम चावल तथा उनका कुछ भाग 28% लाभ पर, एक व्यापारी के पास 40 किलोग्राम चावल है, उसका कुछ परसेंट भाग 28% के लाभ पर तथा बचा हुआ भाग 12% के हानि पर बेचता है, इस प्रकार उसे कुल 8% की हानि होती है, तो उसे 28% लाभ और 12% हानि पर कितनी चावल की मात्रा बेची। देखिए इसके पास 2 चावल है, तो देख लीजिए क्या कह रहा था कि एक व्यापारी के पास 40 किलोग्राम चावल है, एक को 28% लाभ और दूसरे को 12% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल 8% की हानि होती है, टोटल -8%। ठीक, देखिए जब भी हानि होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, ये हानि हो रही थी 12%, एक 12% की हानि पर बेचा है, 28% लाभ, तो लाभ को प्लस में लिखेंगे। ठीक, इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं, डंडा लगा के। ठीक, इस पर आपको सवाल बहुत आसान बन जाता है, 10 मिनट का सवाल 1 मिनट में कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, हमेशा इसमें से घटाते हैं, बीच वाले में से ही हमेशा इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। ठीक, अब आपसे अनुपात ही पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, क्या करना है, एक 28% लाभ पर बेच रहा था, एक 12% हानि पर, बीच में टोटल 12, टोटल बेचने से उसे 8% की हानि हो रही है, तो इसमें से घटाएंगे, 8 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर 28 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 28 - 8 यानी -8 में तो एक प्लस, पहले से भी माइनस आया है हमारा, तो ये 28 माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। ठीक, इसमें 28 में से 8 घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस का, और ये 4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -8 + 12 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे यहाँ पे, देखिए माइनस और माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी बताया, तो ये 4:36 हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा, ये आपका 1:9 होने का मतलब क्या होगा, टोटल जो हो जाएगा कितना, टोटल 10 पॉइंट हो जाएगा, 9.10
ये 9 पॉइंट, ये 10 पॉइंट। देखिए 28% लाभ आपका कितने बचा है, 1 पॉइंट, 12% हानि पर 9 पॉइंट। और आपसे पूछा है कि 8% पूछा है कि 12% हानि पर कितनी चावल की मात्रा बेची गई। तो हम देखिए 10 पॉइंट का मान हम आपको बोला है क्वेश्चन में 40 kg, तो 1 पॉइंट का मान 4 kg, क्योंकि 10 पॉइंट हमारा इसको जोड़ने के बाद 10 पॉइंट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 40 kg बोला है, 10 पॉइंट का मान 40 kg, तो 1 पॉइंट का मान 4 kg। अब देखिए तो 12% हानि पर कितना बचा है, 9 पॉइंट, 9 गुणे 4 हो जाएगा, तो 36 kg जो है 12% हानि पर बचा है, और 1% लाभ पर, अरे 1 पॉइंट लाभ पर कितना, यानी 28% लाभ यानी 1 पॉइंट लाभ, तो 1 पॉइंट लाभ पर कितना बचा है, 9 गुणे 1 यानी 4 गुणे 1 यानी 4 kg, 4 kg यहाँ पे बेचेगा, और 9 kg, 36 kg यहाँ पे, तो 40 kg टोटल हो भी रहा है, 40 kg, 36 और 4 40 kg हो रहा है। ठीक, यही आपसे पूछा था कि इसमें 12% हानि पर, यानी इसके सामने जो होगा ये वाला मान 36 kg वाला पूछा है आपसे, अब ये पूछता है तो ये और हो जाता है 4 kg की, पता है कि 28% आपका कितना बचता है, 4 kg। ठीक, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। चैनल को मेरे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर दोस्तों को शेयर करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेरा सपोर्ट होगा आप सबके साथ, मैं आपके साथ बहुत ही दिल से लगा हुआ हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।